इंडियन हिस्ट्री एनसीईआरटी की जो सीरीज़ चल रही है ये वीडियो नंबर 12 है और इसमें बचे हुए जो 7-6 चैप्टर हैं उसको हम लोग कवर करेंगे। टोटल 12 चैप्टर क्लास 8 की पुरानी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। पुरानी एनसीईआरटी का जो क्लास 8 का है वो आधुनिक भारत है, इसमें से 6 चैप्टर हम लोगों ने कर लिया हुआ है और आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा क्लास 8 की पुरानी एनसीईआरटी को। तो आधुनिक भारत के बचे हुए जो अब जितने भी चैप्टर आएंगे उन क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन को एकदम ध्यान से देखिए, ये मत सोचिए कि एग्ज़ाम है, फटाफट से देख रहे हैं, फटाफट से आंसर आ रहे हैं तो हम लोग सॉल्व करते चल रहे हैं। यहाँ मैं सिर्फ टाइम को देखते हुए चीज़ों को मैनेज करते हुए चल रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं पॉज करके आपको दिखा रही हूँ सारी चीज़ें। आपका काम है खुद से आप क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद पॉज कर दीजिए, मेरे बढ़ने पे आगे मत पढ़िए, पॉज करिए, खुद से समझिए और खुद से आंसर करिए, क्योंकि ये आपकी प्रैक्टिस है। आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको क्वेश्चन का आंसर आना ज़रूरी है। मेरे बताए हुए आंसर आने का मतलब कोई मतलब नहीं है जब तक वो आप नहीं कर पाएँ। तो इसलिए कोशिश करिए कि जब भी क्वेश्चन पढ़ी जा रही है ना उसको पॉज करके खुद से एक बार पढ़िए और फिर खुद से सॉल्व करिए और फिर आंसर देखिए, तब जाकर के आप इस चीज़ों के लिए तैयार हो पाएंगे और आपका ये बहुत बढ़िया से तैयार हो जाएगा। फिर जब आप इसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे ना तो सारी चीज़ें आपके दिमाग में अपने आप ही जाती रहेगी और ये जो जितने भी चीज़ें आपको मिल रही है ना दोबारा भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर यहाँ पर आप बहुत अच्छे से काम कर गए तो। तो चलिए, चैप्टर नंबर 7 है आर्थिक जीवन में परिवर्तन। बैकग्राउंड नॉइज़ को बिल्कुल अवॉइड करते हुए हम लोग 1858 से 1947 तक के घटनाओं में जितने भी प्रश्न आएंगे उन प्रश्नों को हम लोग बहुत ही शांतिप्रिय ढंग से करेंगे, ठीक है। चलिए, 1858 से 1947 के बीच कृषि के पिछड़ेपन के लिए इनमें से कौन सा कारण जिम्मेदार था? पॉज करिए, बिल्कुल आराम से धैर्य होकर के पढ़िए। छोटी छोटी जोतें, राजस्व वसूली के लिए अपनाई गई व्यवस्थाएं, किसानों पर कर्ज का बोझ और अकाल, कौन सा कारण जिम्मेदार था? अरे सारे ही तो जिम्मेदार थे, जोते भी छोटी छोटी जिम्मेदार थी, राजस्व वसूली के लिए अपनाई गई जो व्यवस्था थी वो भी था, किसानों पर कर्ज का बोझ भी था, अकाल भी थे, ये सारे कारण होते हैं। अंग्रेजों ने जिन जमींदारों को पैदा किया हुआ था वो स्वयं कृषि उत्पादन नहीं करते थे, वो क्या करते थे, वो किसानों से राजस्व वसूल करने के लिए जमींदारों को क्या करते थे, अक्सर जो भी जिम्मेदारियां होती थी वो दूसरे लोगों को सौंप देते थे, कुछ लोग इसी काम को आगे दूसरे को सौंप देते थे। तो इन सभी बिचौलियों को खेती में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी, इसीलिए कृषि कर्म पिछड़ गया, ठीक है। और कृषि के पिछड़ेपन का एक कारण ये भी है कि छोटी छोटी जोते भी था, उस समय के उत्तराधिकारी के कानूनों के कारण जोते लगातार बढ़ती गई, उस समय के उत्तराधिकार के कानूनों के कारण जोतें लगातार बढ़ती गई, जैसे जैसे अधिकाधिक लोग अपने जीविका के लिए खेती पर निर्भर हो गए वैसे वैसे जोतों का अधिकाधिक बंटवारा होता गया, इस कारण अधिकतर किसान अपने परिवार के भरण पोषण के लिए पर्याप्त अनाज पैदा नहीं कर पाते थे। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में कृषि भूमि का विस्तार हुआ मगर जनसंख्या वृद्धि के बराबर कुल कृषि उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई, जनसंख्या वृद्धि के बराबर कृषि उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई, साथ ही किसानों पर कर्ज भार लगातार बढ़ता गया और अकालों ने भी स्थिति को और बदतर बना दिया। तो सारे ही कारण। सेकंड क्वेश्चन है, 19वीं सदी के उत्तरार्ध से खाद्यान्नों के उत्पादन में कमी आने का बताइए कि प्रमुख कारण क्या था? इसको बिल्कुल आराम से पॉज करके पढ़िए और बताइए क्या कारण था। कपास, जूट तथा तिलहन जैसी नगदी फसलों के उत्पादन को अधिक महत्व दिया जाना, जमींदारों द्वारा किसानों की बेदखली संबंधी कानून, अधिकाधिक लोगों का जीविका के लिए खेती पर निर्भर होना, या फिर भारतीय किसानों पर बढ़ता कर्ज का बोझ। तो जो कारण था खाद्यान्नों के उत्पादन में कमी आने का, वो मेन जो कारण था कपास, जूट और तिलहन जैसी नगदी फसलों के उत्पादन को अधिक महत्व दिया जाना, ये इसका प्रमुख कारण था। सरकार ने व्यावसायिक फसलों के उत्पादन को तो प्रोत्साहन दिया था लेकिन खाद्यान्नों की कमी की ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया, इससे भारतीय खाद्यान्नों का एक समुदाय तो कुछ समय के लिए समृद्ध हो गया लेकिन खाद्यान्नों का उत्पादन क्या हो गया, खाद्यान्नों का उत्पादन घट गया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ब्रिटिश भारत में अकाल के संदर्भ में ये जो कथन दिए गए हैं उस पर विचार करिए और बताइए कि इनमें से कौन सा कारण था ब्रिटिश भारत में अकाल का। भारत में अकाल पड़ने का मुख्य कारण भारतीय किसानों का पूर्णतः मानसून पर आश्रित होना था। बार बार अकाल पड़ने के कारण सरकार ने अकाल आयोगों की स्थापना की, प्रशासकों के मार्गदर्शन के लिए अकाल संहिता भी बनाई गई,
दूसरे महायुद्ध के दौरान अकाल पूरे देश में मानसून के एक साथ दगा देने के कारण पड़ा था। तो बताइए क्या कारण थे ब्रिटिश भारत में अकाल पड़ने का। इसमें से आपको बतानी है कि कौन कौन सा सही है। सिर्फ ये तीनों ही सही है, चौथा सही नहीं है कि दूसरे महायुद्ध के दौरान अकाल पूरे देश में मानसून के साथ दगा देने के कारण पड़ा था। बाकी तीनों ही सही है, चौथा गलत है। ऐसा बहुत कम हुआ है कि एक ही साल में सारे देश में मानसून ने दगा दिया हो। दूसरे महायुद्ध के दौरान ये अकाल प्रशासन के गैर इंतजाम के कारण पड़ा था। बाकी दोनों ही कथन सही है। अब भारतीय किसानों की मानसून पर पूर्ण निर्भरता के कारण उत्पादन की मात्रा सीमित रहती थी और किसी भी वर्ष कम वर्षा होने पर खाद्यान्न की कमी से अकाल के हालात पैदा हो जाते थे। दूसरा भी कथन सही है कि अकाल आयोगों की सिफारिशों को मान करके सरकार ने 1883 में 1,15,00,000 रुपए राहत कार्य और बीमा के लिए प्रतिवर्ष देने का निर्णय लिया, मगर सरकार समस्या की तह तक नहीं गई थी। उसने 1880 के अकाल आयोग का ये सुझाव नहीं माना कि खेती में लगे हुए अतिरिक्त लोगों के लिए अन्य अवसर खोजे जाएं। तीसरा भी कारण सही है कि लगान माफ़ी, सिंचाई प्रबंधों का विस्तार और प्रभावित लोगों को आर्थिक सहायता देना इस संहिता की कुछ प्रमुख बातें थीं। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि कथन है, ब्रिटिश भारत में किसान ऐसे फसलें उगाने लगे जिनकी बाज़ार में ज़्यादा कीमत मिलती थी। कारण इसका दे रहा है कि सिंचाई वाले क्षेत्रों में फसलें पैदा करने में ज़्यादा खर्च आता था क्योंकि किसानों को नहरों के पानी का पैसा देना पड़ता था। बताइए क्या कथन और कारण दोनों सही है। तो आप कहेंगे हाँ दोनों ही सही है, और जो कारण है वो कथन का बिल्कुल सही स्पष्टीकरण कर रहा है। अकाल के समय सिंचाई की समस्या पर हमेशा ही विशेष ध्यान दिया गया। सारे अकाल आयोगों ने सिंचाई की सुविधाएं बढ़ाने की सिफारिश की। इससे वर्षा के दगा देने पर पड़ने वाली विपदाओं में कमी आई। सिंचाई वाले क्षेत्रों में फसलें पैदा करने में ज़्यादा खर्च आता था क्योंकि किसानों को नहरों के पानी का पैसा देना पड़ता था। इसीलिए किसान ऐसी फसलें उगाने लगे जिनकी बाज़ार में ज़्यादा कीमत मिलती थी। इस प्रकार नगदी फसलों के उत्पादन को क्या किया गया, बढ़ावा दिया गया नगदी फसलों के उत्पादन को। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ। और पांचवा क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारत में परिवहन क्षेत्र के विकास के संदर्भ में बताइए कि कौन सा सही है। ब्रिटिश भारत में परिवहन क्षेत्र में विकास के संदर्भ में विचार करिए। 19वीं सदी के मध्यकाल तक देश में केवल दो मुख्य सड़कें थीं, एक कलकत्ता और दिल्ली के बीच और दूसरी बम्बई और आगरा के बीच। दूसरा कह रहा है कि परिवहन के क्षेत्र में जो विकास हुआ वो वस्तुतः भारत की आर्थिक विकास के लिए नहीं था। बताइए कौन कौन सा सही है। आप कहेंगे कि दोनों ही पूरी तरीके से सही है। 19वीं सदी के लगभग मध्यकाल से परिवहन और संचार के साधनों को उन्नत बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया। सड़कें बनाने के अलावा परिवहन और संचार के नए साधनों को, विशेष करके रेलवे और टेलीग्राफ को चालू किया गया। दूसरा भी कथन सही है कि ब्रिटिश शासक इंग्लैंड के उद्योगों के लिए भारत को कच्चे माल का स्रोत और इंग्लैंड में उत्पादित वस्तुओं का बाजार बनाना चाहते थे। बंदरगाहों से देश के विभिन्न भागों में माल के तेजी से और आसानी से आवागमन के साधन विकसित करके ही ऐसा किया जा सकता था। इसलिए परिवहन के क्षेत्र में जो विकास हुआ वो वस्तुतः भारत के आर्थिक विकास के लिए नहीं था। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश भारत में रेलवे के विकास के लिए बताइए कौन कौन सा कथन सत्य है। सत्य ही पूछा जा रहा है, हाँ चार स्टेटमेंट है, और बताइए कि ब्रिटिश भारत में रेलवे के विकास से संबंधित ये कथन। रेलवे लाइनों के निर्माण का मुख्य उद्देश्य बंदरगाहों को देश के ऐसे भीतरी क्षेत्रों से जोड़ना था जो कि अंग्रेजों के आर्थिक हितों की दृष्टि से महत्व के थे। रेलवे पर प्रमुखतः ब्रिटिश कंपनियों का स्वामित्व था। रेलवे ने देश के विभिन्न भागों की वस्तुओं की कीमतों को लगभग एक समान करने में योगदान दिया। या फिर बताइए कि पहली रेलवे लाइन कलकत्ता और बंगाल के पश्चिमी क्षेत्र के बीच बनी थी। तो इन चारों स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आपको मालूम चल गया होगा कि इनमें से कौन कौन सा संदर्भ में सही है, पहला और तीसरा। रेलवे लाइनों के निर्माण का मुख्य उद्देश्य बंदरगाहों को देश के ऐसे भीतरी क्षेत्रों से जोड़ना था जो कि अंग्रेजों के आर्थिक हितों की दृष्टि से महत्व के थे। रेलवे ने देश के विभिन्न भागों की वस्तुओं की कीमतों को लगभग एक समान करने में भी योगदान दिया।
पहली रेलवे लाइन 1853 में बंबई और ठाणे के बीच में चली थी। अगले साल कलकत्ता को रेलमार्ग से बंगाल के पश्चिमी क्षेत्र की कोयला खानों के साथ जोड़ा गया। 1856 में मद्रास को अर्को नाम के साथ में जोड़ा गया था, इसीलिए चौथा वाला कथन जो दिया था वो गलत है। रेलवे पर प्रमुखता सरकार का स्वामित्व था, परंतु उनका प्रबंध ब्रिटिश कंपनियों के हाथों में था। रेल मार्गों के निर्माण से समाज में एक नए वर्ग का उदय हुआ। ये वे अकुशल श्रमिक थे जिनको रेल मार्गों के निर्माण और उनके रखरखाव का काम दिया गया। इस नए समुदाय के लोग मूलतः गरीब किसान या फिर भूमिहीन खेतिहर मजदूर थे। रेलवे का निर्माण मुख्यतः ब्रिटिश आर्थिक हितों को ध्यान में रख करके किया गया था। वहीं रेलवे निर्माण के फलस्वरूप देश के विभिन्न भागों में वस्तुओं की कीमतों में भी समानता आई थी। अब अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ब्रिटिश भारत में आधुनिक उद्योगों के संदर्भ में जो कथन दिया गया है, ये दोनों उस पर विचार करिए। ब्रिटिश भारत में आधुनिक उद्योगों, ध्यान से पढ़िएगा दोनों ही कथन। आधुनिक उद्योगों पर प्रमुखता ब्रिटिश कंपनियों का स्वामित्व और नियंत्रण था। दूसरा, औद्योगिक विकास के प्रारंभिक दौर में हर देश को विदेशी प्रतियोगिता से अपने को बचाने के लिए संरक्षण की नीति अपनानी पड़ती थी, और ऐसी ही नीति भारत की ब्रिटिश सरकार ने अपनाई थी। बताइए दोनों में से कौन कौन सा सही है? तो आप कहेंगे कि दोनों में से केवल पहला सही है, लेकिन दूसरा गलत है। पहला सही है, आधुनिक उद्योगों पर प्रमुखता। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत में कुछ आधुनिक उद्योग अस्तित्व में आए थे। ये दो प्रकार के थे, कौन कौन से? बागान उद्योग और मशीन उद्योग। इन उद्योगों पर प्रमुखता ब्रिटिश कंपनियों का स्वामित्व और नियंत्रण था। भारतीय भी कुछ उद्योगों के मालिक थे, मगर सरकार से सहयोग ना मिलने के कारण भारतीयों के इन उद्योगों का तेजी से विकास नहीं हो सका। औद्योगिक विकास के प्रारंभिक दौर में हर देश को विदेशी प्रतियोगिता से अपने को बचाने के लिए संरक्षण की नीति अपनानी पड़ती थी, परंतु भारत की ब्रिटिश सरकार ने लंबे समय तक इस तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं की, क्योंकि इससे इंग्लैंड के हितों को हानि पहुंचती। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि ये जो दो कथन है उस पर विचार करिए, और आप पॉज करिए और विचार करिए। यूरोपियों ने जिन क्षेत्रों में भारतीय स्रोतों का सबसे ज़्यादा लाभ उठाया, उनमें से एक बागान उद्योग भी था। भारत में लोहा और इस्पात उद्योग की वास्तविक शुरुआत 1870 में हुई। बताइए दोनों में से कौन कौन सा सही है? तो आप कहेंगे सिर्फ पहला सही है, 1870 में वास्तविक शुरुआत नहीं हुई थी। पहला वाला सही है कि बागान उद्योग की शुरुआत 18वीं सदी के अंतिम वर्षों में नील के रंग तैयार करने के साथ हुई थी। भारत से निर्यात की जाने वाली जो वस्तुएं हैं उसमें 1805 तक नील एक प्रमुख चीज़ हो गई थी। इसके अलावा चाय बागान उद्योग, जिसकी स्थापना 19वीं सदी के मध्यकाल में हुई, जल्द ही भारत का सबसे बड़ा बागान उद्योग बन गया था। दूसरा कथन गलत है। दूसरा कथन आपसे कह रहा था कि भारत में लोहा और इस्पात की वास्तविक जो शुरुआत हुई थी वो 1870 में हुई थी। नहीं, भारत में आधुनिक तरीके से लौह गलन की शुरुआत 1874 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। लेकिन भारत में लोहा और इस्पात उद्योग की वास्तविक शुरुआत कब हुई थी? 1905 में हुई थी। वास्तविक शुरुआत 1905 में हुई थी, जमशेदपुर में प्रसिद्ध टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी का कारखाना स्थापित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारतीय धन के बहिर्गमन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। बहिर्गमन के संदर्भ में भारतीय धन का, भारत सरकार के द्वारा वसूल किए गए राजस्व का एक बड़ा हिस्सा स्वदेश शुल्क के नाम पर इंग्लैंड पहुंचता था, या फिर भारत के ब्रिटिश अधिकारी और वेतन का एक हिस्सा इंग्लैंड भेजते थे और सेवा के अवकाश ग्रहण करने पर उन्हें उनकी पेंशन भारत में भेजी जाती थी। तो क्या भारत धन के बहिर्गमन का ये कारण था? तो आप बताइए कि इन दोनों में से कौन सा सही है। इन दोनों में से ये दोनों ही बहिर्गमन के कारण थे। ठीक है, दोनों। ब्रिटिश शासन के पूरे दौर में भारत का धन लगातार इंग्लैंड पहुंचता रहा था। ब्रिटिश स्वामित्व के उद्योगों और व्यापार से होने वाला मुनाफा तो इंग्लैंड भेजा ही जाता था, भारत सरकार के द्वारा वसूल किए गए राजस्व का एक बड़ा हिस्सा भी स्वदेश शुल्क के नाम पर इंग्लैंड पहुंचता था। भारत पर शासन करने के लिए इंग्लैंड में जो कुछ भी खर्च होता था वो सब भारत के राजस्व से अदा किया जाता था। साथ ही सेवा से अवकाश के बाद ब्रिटिश अधिकारियों की पेंशन भारत में भेजी जाती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ये जो दो कथन है इस पर विचार करिए। कथन दिया हुआ है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय जनता की प्रमुख विशेषता थी उनकी घोर गरीबी। 1920 में अखिल भारतीय मजदूर कांग्रेस की स्थापना हुई थी। बताइए 1920 में हुई थी स्थापना, तो आप कहेंगे हाँ 1920 में हुई थी अखिल भारतीय मजदूर कांग्रेस की स्थापना। एक अनुमान के अनुसार 1947 में प्रति व्यक्ति आय 228 रुपये थी, यानी कि प्रति दिन 1 रुपये से भी कम आय। हालांकि अलग अलग वर्गों की अलग अलग आय होती थी। जमींदार, कारखाना मालिकों, व्यापारी और मध्य वर्गीय लोगों की आय ज़्यादा थी। दूसरा भी सही है कि अखिल भारतीय मजदूर कांग्रेस ने मजदूर आंदोलन को संगठित करने और मजदूर के हितों की रक्षा करने के लिए कदम उठाने का मार्ग प्रशस्त किया था। नेक्स्ट है, यदि उत्पादकों को अपंग बनाया जाए, किसानों पर करों का बोझ लगा दिया जाए और 1/3 राजस्व देश से बाहर भेज दिया जाए, तो दुनिया का कोई भी देश स्थायी तौर पर दरिद्र हो जाएगा और उसे बार बार अकाल का सामना करना पड़ेगा। ये कथन किसने लिखा है? ये कथन लिखा है रमेश चंद्र दत्त ने। अगला चैप्टर है कि धार्मिक तथा सामाजिक सुधार आंदोलन और सांस्कृतिक जागृति। धार्मिक तथा सामाजिक सुधार आंदोलन और सांस्कृतिक जागृति। 19वीं शताब्दी के धर्म सुधार आंदोलन के संदर्भ में ये जो कथन है उस पर विचार करिए। इस समय धार्मिक समुदाय में सामाजिक सुधार के जो आंदोलन शुरू हुए वे धार्मिक सुधार के भी आंदोलन थे। दूसरा है, इस समय भारत के धार्मिक तथा सामाजिक सुधारकों ने पाश्चात्य विचारों की अपनी जानकारी के साथ साथ प्राचीन ज्ञान का भी उपयोग किया। बताइए 19वीं शताब्दी के धर्म सुधार आंदोलन के संबंध में ये दोनों कथन सही है या फिर नहीं? थोड़ा सोचिए, समझिए और विचार करिए। और आंसर अब सी अगर आप कर रहे हैं कि दोनों ही सही है, तो आप बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। ये पहला दूसरा दोनों ही पूरी तरीके से सही है। 19वीं सदी के आरंभिक दशकों के से देश के हर भाग में 19वीं सदी के आरंभिक दशकों से देश के हर भाग में ये अधिकाधिक महसूस किया जाने लगा कि भारतीय समाज पिछड़ा हुआ है और इसे सुधारना आवश्यक है। कुछ सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों ने धार्मिक विश्वासों का रूप धारण कर लिया है। 18वीं सदी के अंतिम चरण से कतिपय यूरोपीय तथा भारतीय विद्वानों ने भारत की प्राचीन विद्या का अन्वेषण शुरू कर दिया है। सुधारकों ने अंधविश्वासों तथा अमानवीय प्रथाओं के खिलाफ शुरू किए गए अपने संघर्ष में प्राचीन ग्रंथों के प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। ऐसा करते समय उनमें से अधिकांश ने धार्मिक विश्वास की बजाय तर्क बुद्धि को महत्व दिया। धार्मिक तथा सामाजिक सुधारकों ने पाश्चात्य विचारों की अपनी जानकारी के साथ साथ प्राचीन ज्ञान का भी उपयोग किया। आगे बढ़ते हैं, राजा राम मोहन राय के बारे में बताइए कि कौन सा कथन असत्य है। अब असत्य बताने के लिए आपको पूरा स्टेटमेंट की जानकारी होनी चाहिए, सारे स्टेटमेंट को पढ़िए। राजा राम मोहन राय समाज सुधारकों में अग्रणी थे। राजा राम मोहन राय हिंदी, संस्कृत, बांग्ला, फारसी और अंग्रेजी भाषा के अच्छे ज्ञाता थे। इन्होंने वेदों और उपनिषदों के बांग्ला अनुवाद प्रस्तुत किए। इन्होंने मूर्ति पूजा और धार्मिक अनुष्ठानों को समर्थन दिया। बताइए कौन सा सत्य है? बिल्कुल अभी जो आपने देखा कि इन्होंने मूर्ति पूजा और धार्मिक अनुष्ठानों को समर्थन किया, तो ये असत्य है। बाकी सारे इनके बारे में सत्य है। राजा राम मोहन राय मूर्ति पूजा और धार्मिक अनुष्ठानों के समर्थक नहीं थे, बल्कि वो विरोधी थे। उन्होंने एक सर्वशक्तिमान ईश्वर यानी एकेश्वरवादी पर आधारित विश्व धर्म में अपनी आस्था व्यक्त की थी। बाकी उनके बारे में आप जानते ही होंगे भली भांति, और नहीं जानते हैं तो आप यहाँ पर पॉज करके इसको एक बार फिर से पढ़ लीजिए। ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित कथन जो दिया है इस पर विचार करिए। इसने मूर्ति पूजा और निरर्थक प्रथाओं तथा रीति रिवाजों का बहिष्कार किया। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा। इसने इस सिद्धांत पर प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है। बताइए इनमें से कौन कौन से सही हैं? तो आप कहेंगे कि इनमें से तीसरा को छोड़कर ये दोनों ऊपर सही है, तीसरा गलत है। ब्रह्म समाज ने वेदों की त्रुटिहीनता सिद्धांत का प्रचार किया था, ये गलत है, क्योंकि वेदों की त्रुटिहीनता को प्रचारित करने का श्रेय दयानंद सरस्वती के आर्य समाज को जाता है, ना कि ब्रह्म समाज को, ध्यान रखिएगा। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज धार्मिक सुधारों का पहला महत्वपूर्ण संगठन था। इसने मूर्ति पूजा और निरर्थक प्रथाओं की रीति रिवाजों का बहिष्कार किया था। ब्रह्म समाज ने धार्मिक ग्रंथ की व्याख्या के लिए मानव बुद्धि को आधार बनाया और इसी कारण इसने पुरोहित वर्ग के अस्तित्व को अस्वीकारा था, ध्यान रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं राजा राम मोहन राय के स्त्रियों से संबंधित सुधारों पर विचार कीजिए। राजा राम मोहन राय ने स्त्री जाति से संबंधित कौन कौन से सुधार किए थे? सती प्रथा का अंत किया था, स्त्रियों के लिए शिक्षा और संपत्ति के उत्तराधिकार का समर्थन किया था। बताइए क्या क्या किया था? दोनों किया था, दोनों ही सही है। 1829 में राजा राम मोहन राय के अथक प्रयासों से एक कानून के द्वारा सती प्रथा का अंत हुआ था। उन्होंने बहुपत्नी प्रथा का भी विरोध किया था। वो चाहते थे कि स्त्रियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था हो और उन्हें संपत्ति का अधिकार मिले। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे आपके केशव चंद्र सेन। ठीक है, केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। देवेंद्रनाथ ठाकुर कौन थे? देवेंद्रनाथ ठाकुर और केशव चंद्र सेन, ये दोनों ही ब्रह्म समाज के प्रमुख नेता थे। 1866 में ब्रह्म समाज में विभाजन हो गया और केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की। कौन से समाज की? भारतीय ब्रह्म समाज की। और धार्मिक और सामाजिक मामलों में केशव चंद्र सेन और उनके सहयोगियों के विचार अन्य ब्रह्म समाजियों के विचार से अधिक पुरोगामी थे। उन्होंने जाति प्रथा, धार्मिक रीति रिवाजों और धर्म ग्रंथों के प्रमाणों को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने अंतरजातीय विवाह और पुनर्विवाह का समर्थन किया और ऐसे विवाह आयोजित किए। उन्होंने पर्दा प्रथा और जाति भेद का भी विरोध किया। ब्रह्म समाज के प्रचार के लिए केशव चंद्र सेन ने मद्रास और बम्बई प्रांतों की यात्राएँ की और बाद में उत्तर भारत का दौरा किया। यंग बंगाल आंदोलन के संदर्भ में विचार करिए। इस आंदोलन का नेतृत्व तो हेनरी लुई विवियन डेरोजियो ने किया। इन्होंने फ्रांस की क्रांति और इंग्लैंड के उदार चिंतन के आदर्श प्रस्तुत किए। उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार किया। बताइए कौन कौन से सही है? तो आप कहेंगे कि पहला और दूसरा दोनों ही सही है, जबकि तीसरा गलत है। 17 साल के तरुण हेनरी लुई विवियन डेरोजियो, जो कि कलकत्ता के हिंदू कॉलेज के अध्यापक थे, उसने अपने विद्यार्थियों के सामने पुरोगामी विचार रखे और साहित्य, इतिहास, दर्शन और विज्ञान के बारे में विचार विमर्श के लिए संगठन बनाया। यही यंग बंगाल या तरुण बंगाल आंदोलन कहलाया, जिसका डेरोजियो ने नेतृत्व किया था। यंग बंगाल के समर्थकों ने सभी प्रकार के परंपराओं का मजाक उड़ाया और ईश्वर के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाया। सामाजिक व धार्मिक रूढ़ियों को तोड़ा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और स्त्रियों के लिए शिक्षा की मांग की। डेरोजियो के विद्यार्थियों ने यंग बंगाल आंदोलन के दौरान एक प्रकार की बौद्धिक क्रांति को जन्म दिया। उन्होंने फ्रांस की क्रांति और इंग्लैंड के उदार चिंतन के आदर्श प्रस्तुत किए। 1831 में डेरोजियो की मृत्यु हो गई। इस संगठन के सदस्य नेतृत्वहीन होने पर भी शिक्षा और लेखन के जरिए पुरोगामी विचार का प्रचार प्रसार करते रह गए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कलकत्ता के हिंदू कॉलेज की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान किसका था? महत्वपूर्ण योगदान था डेविड हारे का। किसका था? डेविड हारे का। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के संबंध में विचार करिए और बताइए कि कौन सा सही है। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की। इन्होंने संस्कृत के अध्ययन के लिए अन्य निम्न जातियों के विद्यार्थियों को कॉलेज में प्रवेश दिया। अभी जो बाकी आवाज थे वो कम थे, जो अब और आने लगे प्लीज़ इग्नोर करिए, ध्यान करिए या फोकस करिए क्वेश्चन पे। इन्होंने बालिका शिक्षा हेतु कन्या विद्यालय खोले। और बताइए कौन कौन से इसमें से सही है? पॉज करके अच्छे से पढ़ लीजिए, तीनों सही है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने स्त्री उत्थान के लिए विधवा पुनर्विवाह का कानून बनाने के लिए संघर्ष किया और अंत में उसमें सफलता भी पाई। कलकत्ता में इन्हीं के प्रयासों से 1856 में पहली बार विधवा पुनर्विवाह संपन्न हुआ था। विद्यासागर संस्कृत में अगाध विद्वान थे, इसी कारण उन्हें कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज का प्रिंसिपल बनाया गया। उन्होंने संस्कृत कॉलेज में आधुनिक पाश्चात्य विचारों पर आधारित शिक्षा शुरू की और संस्कृत के अध्ययन के लिए तथाकथित निम्न जातियों के विद्यार्थियों के लिए भी कॉलेज के द्वार खोल दिए। उसके पहले संस्कृत कॉलेज में परंपरागत विषय ही पढ़ाए जाते थे। विद्यासागर ने कन्याओं की शिक्षा के लिए भी अथक प्रयास किए। जब 1855 में विद्यासागर स्कूलों के विशेष निरीक्षक नियुक्त हुए, तब उन्होंने अपने इलाकों में कई कन्या विद्यालय खोले। एक अंग्रेज ड्रिंक वाटर बैथ्यून से उनका मित्रता के संबंध थे। बैथ्यून ने ही कलकत्ता में 1849 में कन्याओं की शिक्षा के लिए पहला स्कूल खोला था। बैथ्यू ने
अन्य सुधारों में विद्यासागर ने बांग्ला भाषा के विकास भी बांग्ला भाषा के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें आधुनिक बांग्ला का प्रणेता माना जाता है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर को। अब बताइए कि प्रार्थना समाज के बारे में ये जो कथन है, इसमें से कौन कौन सा सही है? 1867 में बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई। इसके समर्थकों ने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। प्रार्थना समाज के नेता ब्रह्म समाज से प्रभावित थे। बताइए कौन कौन सा सही है? तीनों। 1867 में बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। महादेव गोविंद रेनाडे और रामकृष्ण गोपाल भंडारकर इसके दो प्रमुख नेता थे। प्रार्थना समाज के नेता व समर्थक ब्रह्म समाज से काफ़ी प्रभावित थे। उन्होंने जाति प्रथा और अस्पृश्यता की निंदा की थी। उन्होंने स्त्रियों के उद्धार के लिए काम किया और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। रेनाडे ने 1887 में भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की भी स्थापना की थी। रेनाडे हिंदू मुसलमान एकता के जबरदस्त समर्थक थे। रेनाडे की मान्यता थी कि सामाजिक सुधारों के बिना आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में उन्नति का पाना संभव नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। समाज सुधारक ज्योतिबा फूले से संबंधित जो कथन है, क्या वो सही है? ज्योतिबा फूले 1800, इसमें से कौन सा असत्य है वो आपसे पूछ रहा है। ज्योतिबा फूले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की, तो आप कहेंगे कि हाँ बिल्कुल की। ज्योतिबा फूले ने पुरोहितों के बिना विधवा समारोह संपन्न कराने की प्रथा चलाई, बिल्कुल सही है। 1848 में निम्न जातियों की कन्याओं के लिए उन्होंने स्कूल खोला, बिल्कुल सही है। असत्य पूछ रहे हैं तो जाहिर सी बात है यही असत्य होगा। ज्योतिबा फूले ब्राह्मणों की प्रभुता के समर्थक थे, नहीं ये बिल्कुल गलत है। ज्योतिबा फूले ब्राह्मणों की प्रभुता के समर्थक नहीं बल्कि विरोधी थे। आगे बढ़ते हैं। 19वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में हुए प्रमुख सुधार आंदोलन से संबंधित विचार करिए। 1864 में मद्रास में वेद समाज की स्थापना हुई। कंडुकुरी वीरेशलिंगम ने दक्षिण भारत में कन्याओं की शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह हेतु कार्य किए। श्री नारायण धर्म परिपालन योगम नाम का संस्था की स्थापना नारायण गुरु ने किया था। बताइए क्या दोनों सत्य है? तीनों। तो आप कहेंगे हाँ तीनों बिल्कुल सही है। 1864 में ब्रह्म समाज से प्रेरणा पाकर के मद्रास में वेद समाज की स्थापना हुई थी। चेम्बेटी श्रीधारलु नायडू वेद समाज के प्रमुख नेता थे। उन्होंने ब्रह्म समाज की पुस्तकों का तमिल और तेलुगु में अनुवाद किया। उन्होंने ब्रह्म समाज की तरह वेद समाज ने भी कट्टरपंथी हिंदुओं के अनुष्ठानों और अंधविश्वासों की निंदा की और एक सर्वशक्तिमान ईश्वर में आस्था व्यक्त की। कंडुकुरी वीरेशलिंगम दक्षिण भारत में सुधार आंदोलन के एक अन्य प्रमुख नेता थे। वे ब्रह्म समाज के विशेष करके केशव चंद्र सेन के विचारों से काफ़ी प्रभावित हुए थे। 1876 में उन्होंने सामाजिक सुधार कार्य के लिए समर्पित एक तेलुगु पत्रिका शुरू की थी। उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य कन्याओं की शिक्षा व विधवा पुनर्विवाह के लिए किए गए प्रयास थे। नारायण गुरु ने 1903 में श्री नारायण धर्म परिपालन योगम यानी जिसका शॉर्ट फॉर्म था SNDP संस्था की स्थापना की। नारायण गुरु का जन्म केरल में 1854 में एक एझावा परिवार में हुआ था। नारायण गुरु ने एक जाति एक धर्म और एक ईश्वर की आवश्यकता पर बल दिया था। दयानंद सरस्वती के संबंध में विचार करिए और बताइए कि कौन सा इसमें से असत्य है। दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूलशंकर था। इन्होंने शक्ति आंदोलन का विरोध किया। इनके प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम सत्यात प्रकाश था। दयानंद वेदों की प्रमाण ग्रंथ मानते थे। बताइए कौन सा असत्य है? इन्होंने शुद्धि आंदोलन का विरोध किया था, ये पूर्णतः असत्य है। बाकी सारे इनके बारे में सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज की कौन सी मान्यताएं थी? ईश्वर एक है, जाति भेद और सामाजिक असमानता का कोई स्थान नहीं है, वेद परम सत्य है। कौन सा मान्यताएं थी आर्य समाज की? तो आप कहेंगे कि इसमें से आर्य समाज की सभी ही मान्यताएं थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और बताइए कि एंग्लो वैदिक स्कूल और गुरुकुल की शिक्षा पद्धति में क्या मूल अंतर था? एंग्लो वैदिक स्कूल आधुनिक शिक्षा पद्धति जबकि गुरुकुल प्राचीन शिक्षा पद्धति पर आधारित थे, बिल्कुल सही है। एंग्लो वैदिक स्कूल में हिंदी माध्यम जबकि गुरुकुल में अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा दी जाती थी, ये गलत है। एंग्लो वैदिक स्कूलों में लड़कियों के प्रवेश में प्रतिबंध था,
बिल्कुल गलत है, जब ये गुरुकुल में ऐसे नहीं था। इनमें से कोई नहीं, केवल पहला सत्य है ए वाला, बाकी सारे ही असत्य है। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद के संदर्भ में विचार करिए। स्वामी विवेकानंद के संदर्भ में बताइए कि कौन सा सही है। इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, बिल्कुल सही है। इन्होंने 1893 में अमेरिका के शिकागो नगर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया, बिल्कुल सही है। उन्होंने भारतीय और पाश्चात्य दर्शन का अध्ययन किया, बिल्कुल सही है। तीनों ही पूरी तरीके से सही है। आगे बढ़ते हैं, चलिए यहाँ पर देख लिया जाए। स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इसका आदर्श वाक्य ईश्वर की आराधना का सर्वोत्तम मार्ग है मानव जाति की सेवा करना। विवेकानंद ने देश के बाहर जो कार्य किया उससे भारतीय संस्कृति के प्रति विदेशियों का आकर्षण बढ़ा। विवेकानंद ने 1893 में अमेरिका के शिकागो नगर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। कब लिया था? 1893 में। विवेकानंद ने भारतीय और पाश्चात्य शिक्षा का पाश्चात्य दर्शन का अध्ययन किया था। उन्होंने नई समाज व्यवस्था लाने के लिए, गरीबी दूर करने और जनता को जागृत करने के लिए भारतीयों से आजीवन प्रयास करने को कहा। बताइए कि 19वीं शताब्दी के मुस्लिम सुधार आंदोलन से संबंधित ये जो चार कथन दिए गए हैं, इनमें से असत्य कौन सा है? बताइए, भारतीय मुसलमानों पर पाश्चात्य विचारों और आधुनिक शिक्षा का प्रभाव देर से पड़ा। मुस्लिम समुदाय में मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी ने शिक्षा पर विशेष जोर दिया। मुसलमानों में जागरण की शुरुआत 19वीं सदी के पूर्वार्ध में बरेली के सैयद अहमद और बंगाल के शरीयतुल्ला जैसे नेताओं के प्रयासों से हुआ। भारतीय मुसलमानों में अंग्रेजी शिक्षा का हिंदुओं की अपेक्षा तीव्र प्रभाव हुआ। बताइए कौन सा इसमें से असत्य है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी असत्य है, बाकी सारे ही सत्य हैं। मुस्लिम समाज सुधारक सैयद अहमद खां के बारे में विचार करिए। पहला कथन है कि 1864 में उन्होंने अनुवाद समिति की स्थापना की, तो आप कहेंगे कि हाँ। सैयद अहमद खां ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विरोध किया, हाँ किया था। अगला कथन है, इन्होंने 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी, बिल्कुल सही है। सारे ही सही हैं तीनों इसमें से। इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं या फिर आप इसको जो पीडीएफ मिलेगा उस पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों में से बताइए कि कौन कौन सा सत्य है। दादा भाई नौरोजी और नौरोजी फरदूनजी पारसी धर्म सुधारकों के दो अग्रणी नेता थे। 1892 में अमृतसर में सिखों ने खालसा कॉलेज की स्थापना की। सिखों ने गुरुद्वारों में सुधार के लिए 20वीं शताब्दी में शक्तिशाली आंदोलन चलाए थे। बताइए इनमें से कौन कौन सा सत्य है? तो आप कहेंगे कि इनमें तीनों ही पूर्णतः सत्य है। ठीक है, पॉज करिए और इसे देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि 1929 में बने शारदा एक्ट का क्या प्रावधान था। शारदा एक्ट में क्या क्या प्रावधान थे? शारदा एक्ट में प्रावधान था कि 14 साल से कम आयु की लड़की और 18 साल से कम आयु का लड़का शादी नहीं कर सकता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 19वीं-20वीं शताब्दी में शिक्षा के संदर्भ में जो कथन दिया गया है विचार करिए और बताइए कि इनमें से कौन सा सत्य है। 1813 के चार्टर एक्ट में शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1,00,000 रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया। वुड्स डिस्पैच के तहत प्रांतों में लोक शिक्षा विभाग और कलकत्ता बंबई और मद्रास में विश्वविद्यालय खोले गए। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ उस समय केवल 24% पुरुष और 7% महिलाएँ ही साक्षर थीं। बताइए इनमें से कौन कौन सा सत्य है 19वीं-20वीं शताब्दी में शिक्षा के संदर्भ में। तो आप कहेंगे कि इनमें से तीनों ही सही है। में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कहाँ पे हुई थी? 1784 में। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी कलकत्ता में। कहाँ पे हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। 19वीं शताब्दी में लिखे गए साहित्य और कला के संदर्भ में बताइए कि कौन सा कथन असत्य है, उसको छाटिए।
इस समय लिखा जा रहा साहित्य प्राचीन साहित्य से विषय वस्तु और शैली दोनों ही रूपों में भिन्न था, असत्य पूछ रहा है, तो ये बिल्कुल सत्य है। इस समय भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रेमचंद जैसे साहित्यकारों ने साहित्य के माध्यम से परंपरागत विचारों का प्रसार किया था, ये आपका इसमें से गलत है। 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, सत्य है। इस समय चित्रकला के क्षेत्र में बंगाल शैली का उदय हो गया था 19वीं शताब्दी में, बिल्कुल सही है। असत्य पूछ रहा है, यानी सही जवाब है ऑप्शन बी। भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रेमचंद और साहित्य के परंपरागत नहीं बल्कि सुधारवादी और आधुनिक विचारों का प्रयास किया था, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का अगुआ कहा जाता है। 19वीं सदी में बड़े स्तर पर आधुनिक भाषा के साहित्य का विकास हुआ। ये साहित्य प्राचीन साहित्य से विषय वस्तु तथा शैली दोनों ही रूपों में काफ़ी भिन्न था। अब पद्य की जगह गद्य को अधिक महत्व दिया जाने लगा था। इसी समय राष्ट्र प्रेम से संबंधित वंदे मातरम और सारे जहां से अच्छा क्रमशः बंकिम चंद्र चटर्जी और इकबाल के द्वारा लिखा गया। 1913 में भारत में वर्धमान राष्ट्रगान के निर्माता रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी कृति गीतांजलि के लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति पर सर्वोच्च नोबेल पुरस्कार मिला था। इस समय साहित्य के अलावा कला क्षेत्र का भी पर्याप्त विकास हुआ था। अवनींद्रनाथ ठाकुर और दूसरे कलाकारों ने भारत की शास्त्रीय परंपरा की चित्रकला को पुनर्जीवित करने की प्रयास किया था। इन प्रयासों से चित्रकला की जिस शैली का उदय हुआ उसे बंगाल शैली कहते हैं। अगला प्रश्न है कि आधुनिक भारत में विज्ञान के विकास से संबंधित कथनों पर विचार करिए। विज्ञान के विकास से संदर्भित चीज़ आपसे पूछ रहा है, जिसमें कि पहला स्टेटमेंट आपको दिया है कि भारत में आधुनिक विज्ञान का प्रवेश 19वीं सदी के आरंभ में हुआ था, बिल्कुल सही बात है, 19वीं सदी के आरंभ में हुआ था। 20वीं सदी के तीसरे दशक में इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। 1930 में चंद्रशेखर वेंकटरमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिल गया था, तीनों ही बिल्कुल सही है, ठीक है। बाकी जो ये चीज़ें हैं चलिए मैं बता देती हूँ आपको। भारत में आधुनिक विज्ञान का प्रवेश 19वीं सदी के आरंभ में हुआ था। स्वच्छंद करने वाले चिकित्सा विज्ञान के पहले भारतीय विद्यार्थी महेंद्रलाल सरकार थे। कौन थे? महेंद्रलाल सरकार थे। उन्होंने 1876 में इंडियन एसोसिएशन फॉर दी कल्टीवेशन ऑफ साइंस नामक संस्था की स्थापना की थी। ये विज्ञान का प्रचार प्रसार करने वाली पहली प्रमुख संस्था थी। 20वीं सदी के तीसरे दशक में इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। तीसरे दशक में साइंस कांग्रेस के अधिवेशन में देश के विभिन्न भागों के वैज्ञानिक भाग लेते और एक दूसरे से अपने विचारों को साझा करते थे। इस समय कई अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक पैदा हुए थे। इनमें प्रफुल्ल चंद्र राय, जगदीश चंद्र बसु, मेघनाथ साहा, डीएन वाडिया, बिरबल सहनी आदि प्रसिद्ध थे। चंद्रशेखर वेंकटरमन को भौतिकी के क्षेत्र में किए गए अन्य खोज कार्य के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। एम विश्वेश्वरैया जिनके बांध निर्माण, जल विद्युत के विकास, रेशम उद्योग और तकनीकी विकास के क्षेत्र में किए गए प्रयासों के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। कार्य के लिए। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक संपादक कौन थे? अमृत बाजार पत्रिका के मोतीलाल घोष थे। कौन थे? मोतीलाल घोष। नेक्स्ट चैप्टर है भारतीय राष्ट्रवाद का उदय। भारतीय राष्ट्रवाद का उदय ये आंदोलन है, ये संबंधित क्षेत्र कौन सा आंदोलन किस क्षेत्र में हुआ तो बताइए कि कौन सा ये सही मिलन है इसका। देवबंद आंदोलन उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुआ था, तो आप कहेंगे हाँ ये सही है। कूका आंदोलन बिहार में नहीं हुआ था। मुंडा आदिवासी आंदोलन बिहार के छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। कूका आंदोलन कहाँ पर हुआ था? ये आपका पंजाब में सिख गुरु राम सिंह कूका के नेतृत्व में चलाया गया आंदोलन था। कूका आंदोलन 1872 में कूका विद्रोह हीरा सिंह को अंग्रेजों ने तोप से बांध करके उड़ा दिया था, ठीक है, पंजाब में। राष्ट्रीय आंदोलन, मैं आपको पूरा आंदोलन से संबंधित चीज़ें बता भी देती हूँ। तो आपने जाना कि कूका आंदोलन पंजाब में सिख गुरु राम सिंह कूका के नेतृत्व में चलाया गया था। 1872 में एक कूका विद्रोही हीरा सिंह को अंग्रेजों ने तोप से बांध करके उड़ा दिया था।
देवबंद आंदोलन उत्तर प्रदेश के सहारनपुर शहर में के नज़दीक देवबंद नामक स्थान से चलाया गया था। यहाँ एक विद्या केंद्र की स्थापना की गई जो कि अपने विद्यार्थियों के स्वातंत्र प्रेम और ब्रिटिश शासन के प्रति विद्रोह की भावना उभारता रहा। इसमें सर सैयद अहमद खां की गतिविधियों का विरोध किया गया। सैयद अहमद मुसलमानों में अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार में जुटे रहते थे और ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आंदोलन की आधुनिक शिक्षा के विकास के संदर्भ में बताइए। पॉज करिए और इसको समझिए क्योंकि आवाज़ बहुत आ रही है, तो बस आप क्या क्या कर सकते हैं, इसको पॉज करके खुद से पढ़िए और फिर मैं जो आंसर बता रही हूँ उससे आप खुद को करेक्ट करें। आधुनिक शिक्षा के प्रसार के राष्ट्रीय चेतना को उभारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस समय उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी था जिससे कि देश के विभिन्न भागों को एक दूसरे से संपर्क स्थापित करने में आसानी हुई। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत में शिक्षा का काफ़ी प्रसार हुआ था। बताइए कौन कौन सा सही है, तीनों ही पूर्णतः सत्य है। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व प्रमुख संस्थाएँ कौन सी थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व कौन सी थी? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन था, पुणे सार्वजनिक सभा था, बम्बई एसोसिएशन, तीनों ही था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी इनमें से किस संस्था की स्थापना की थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। अब ये जो कथन है उस पर विचार करिए, बताइए कि कौन कौन सा सत्य है। 1878 में शस्त्र कानून बना जिसने कि भारतीयों के शस्त्र रखने पर प्रतिबंध लगा दिया। 1883 में सरकार ने एल्बर्ट बिल नामक विधेयक वापस ले लिया था। दोनों में से कौन सा सही है? दोनों ही सही है। अगला प्रश्न है, विचार करिए और बताइए कि कौन सा सत्य है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज अधिकारी ऐलान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज अधिकारी ऐलान ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा की गई थी। तो आप कहेंगे क्योंकि इसमें सत्य बतानी है तो इसमें से आप कहेंगे कि ये वाला सही है। कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित हुआ। 1888 में इलाहाबाद में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष जॉर्जियोले थे। सही है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी प्रथम तीन कांग्रेस अधिवेशनों में सम्मिलित नहीं थे, चौथा गलत है, बाकी तीनों ही सही है। अट्ठाईस दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कांग्रेस की स्थापना में भारत के एक अवकाश प्राप्त ब्रिटिश अफसर ऐलान ऑक्टेवियन ह्यूम ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। चौथा वाला गलत है। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में जो कि कलकत्ता में 1886 में हुआ था, करीब 450 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और इंडियन एसोसिएशन के अन्य नेता इस अधिवेशन में शामिल हुए थे। अब बताइए कि ये जो कथन है इसमें से कौन कौन सा सही है। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे, बिल्कुल सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बद्रुद्दीन तैयब जी थे, ये भी सही है, दोनों ही सही है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में विचार करिए ये तीनों कथन पर और बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। कांग्रेस के आरंभिक 20 साल प्रायः नरम दौर से गुजर जाने थे। कांग्रेस के आरंभिक 20 साल प्रायः नरम दौर के रूप में जाने जाते हैं। अंग्रेज अधिकारी कांग्रेस को अल्पसंख्यकों का एक संगठन कह करके पुकारते थे। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल आदि नेताओं ने कांग्रेस की अनुनय विनय नीति का समर्थन किया था। अब बताइए कि इनमें से कौन कौन सा सत्य है, केवल पहला और दूसरा सत्य है, तीसरा असत्य है। आगे बढ़ते हैं, 10वां चैप्टर है स्वराज के लिए संघर्ष, PDF आपको मिल जाएगा। जो भी चीज़ें मैं छोड़ रही हूँ वो आप PDF में पढ़ लीजिएगा क्योंकि आवाज़ बहुत हो रही है, आप चीज़ों को समझ भी नहीं पाएंगे। भारत की स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर के संदर्भ में विचार करिए। इस समय भारतीय नेताओं का एक दल जो उग्रवादी विचारधारा का समर्थक था, गरम दल कहलाया। 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने प्रारंभिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित किया था। बताइए दोनों में से कौन कौन सा सही है, दोनों ही सही है। बंगाल विभाजन से संबंधित ये जो कथन है इसमें से बताइए कि कौन सा असत्य है। बंगाल विभाजन में
जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी, सही है। बंगाल विभाजन का दिन सारे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है, सही है। गरम दल और नरम दल के नेताओं ने इस विभाजन के विरुद्ध पृथक पृथक आंदोलन चलाया था, ये गलत है। आंदोलन के दौरान स्वदेशी और बहिष्कार जैसे नए संघर्ष के तरीके अपनाए गए थे, सही है। असत्य पूछा है तो सी वाला असत्य है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि कलकत्ता अधिवेशन 1906 में कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया, क्या लक्ष्य घोषित किया गया था? लक्ष्य था स्वराज प्राप्ति का। नेक्स्ट है, 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों के दो भागों में विभाजित हो जाने का क्या कारण था? दो भागों में विभाजित होने का कारण था उदारवादी कांग्रेस नेताओं की नीतियाँ, बहिष्कार की नीति के इस्तेमाल पर मतभेद, आंदोलन के उदय पर मतभेद, ये तीनों ही कारण था। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट से संबंधित कथन में से बताइए कि कौन सा असत्य है। 1909 ईस्वी के इंडियन काउंसिल एक्ट, इस एक्ट के अनुसार केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। कांग्रेस ने 1909 के अपने अधिवेशन में इन सुधारों का स्वागत किया मगर धर्म पर आधारित पृथक प्रतिनिधित्व का विरोध किया। बताइए इनमें से कौन सा असत्य है? इसमें से असत्य कोई भी नहीं है, सारे ही सत्य हैं, ठीक है। 1911 में आयोजित हुए दिल्ली दरबार के संबंध में बताइए कि कौन सा सही है। इसमें 1905 में हुए बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, इसमें ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर गई, बिल्कुल सही है। इसमें आपका दोनों ही सही है। 20वीं शताब्दी के आरंभ में हुए प्रमुख क्रांतिकारी आंदोलन के संदर्भ में विचार करिए। इस समय अभिनव भारत सोसाइटी और अनुशीलन समिति प्रमुख क्रांतिकारी संगठन थे। 1912 में क्रांतिकारियों ने वायसराय हार्डिंग पर बम फेंका। काबुल में एक क्रांतिकारी दल ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार स्थापित की थी। बताइए कौन कौन सा सही है? तीनों तीनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी का नेता कौन थे? गदर पार्टी के नेता थे लाला हरदयाल। मुस्लिम लीग की स्थापना से संबंधित कथन में से कौन सा असत्य है? बताइए 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी तो आप कहेंगे कि हाँ हुई थी, 1906 में हुई थी। आगा खां और ढाका के नवाब सलीमुल्ला इसके संस्थापक सदस्य थे, सही है। 1913 में इसने स्वराज हासिल करने का लक्ष्य घोषित किया था, ये भी सही है। तीनों ही सही है, यानी कि इनमें से कोई भी असत्य नहीं है, सब सत्य है। कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था? बताइए कौन सा निर्णय लिया गया था? मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार की, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अस्थायी विलय हो गया, कांग्रेस का अध्यक्ष एक मुस्लिम व्यक्ति चुना गया, कौन सा निर्णय लिया गया बताइए? मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार की गई। एनी बेसन के संदर्भ में विचार करिए और बताइए कि कौन सा सत्य है। एनी बेसन ने होम रूल लीग आंदोलन चलाया था तो आप कहेंगे कि हाँ चलाया था। एनी बेसन ने थियोसोफिकल सोसाइटी की भी स्थापना की थी, ये भी सही है, दोनों सही हैं। महात्मा गांधी के संदर्भ में विचार करिए। और बताइए ये कौन सा सही है महात्मा गांधी के संदर्भ में? सॉरी, एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की आंदोलन चलाया था। 1917 में इन्होंने कलकत्ता के एक ऑप्शन मैंने छोड़ दिया 1917 में इन्होंने कलकत्ता के कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता चुना था। एनी बेसेंट ने थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की तो इसमें से आपका थियोसोफिकल सोसाइटी की एनी बेसेंट ने स्थापना नहीं की थी, बाकी ये दोनों आपका सत्य है, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में भी स्वशासन की मांग होने लगी थी जो कि होम रूल के आंदोलन के नाम से जाना जाने लगा। इस समय समान उद्देश्य से अलग अलग क्षेत्रों में श्रीमती एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में होम रूल लोगों की स्थापना हुई, होम रूल लीग की, जिसमें दिसंबर 1917 में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। एनी बेसेंट को इसका अध्यक्ष चुना गया, कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी। महात्मा गांधी के संदर्भ में विचार करिए और बताइए कौन सा इसमें से सत्य होगा, कौन कौन सा। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए उन्होंने वहां पे भारतीयों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ संघर्ष किया,
गांधी जी 1915 में भारत लौटे। गांधी जी का भारत में चंपारण आंदोलन प्रथम आंदोलन था। बताइए कौन कौन सा सही है इसमें। तीनों ही सही हैं गांधी जी के बारे में। आगे बढ़ते हैं। मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार जो कि 1919 में आया था, इसके अंतर्गत बनाए गए कानूनों के संदर्भ में क्या ये दोनों विचार जो दिए हैं वो सत्य हैं। अब केंद्रीय मंत्रिमंडल की दो सदन बनाए गए, विधान परिषद और राज्यसभा। प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार किया गया। बताइए क्या सत्य है ये। तो आप कहेंगे हाँ सत्य है। आगे बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के संदर्भ में विचार करिए और बताइए कि कौन कौन सा सत्य है। जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। लोग जलियांवाला बाग में डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल गिरफ्तारी के विरोध में एकत्रित हुए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश जनरल डायर ने दिया था। बताइए कौन कौन सा सत्य है। सारे ही सत्य हैं। अभी जो कथन है इसमें से बताइए कि कौन सा असत्य है। खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ शौकत अली और मोहम्मद अली ने किया था। खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ, आप कहेंगे हाँ। इस आंदोलन को चलाने के लिए जो खिलाफत कमेटी बनी थी उसमें गांधी जी भी शामिल थे। खिलाफत आंदोलन तुर्की के प्रति हो रहे अन्याय के खिलाफ चलाया गया था। सही है। खिलाफत आंदोलन से हिंदू मुसलमानों के बीच में पुनः दूरी बढ़ गई, ये गलत है। इसमें असत्य पूछ रहा है तो सही जवाब होगा डी। इनमें से 1920 में नागपुर अधिवेशन में किस आंदोलन के प्रस्ताव को पास किया गया था। 1920 के नागपुर अधिवेशन में बताइए। असहयोग आंदोलन को पास किया गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान देश में आंदोलन हुए, इन्हीं में मोपला विद्रोह भी एक प्रमुख विद्रोह था। तो बताइए मोपला विद्रोह किस क्षेत्र से संबंधित था। केरल से। मोपला विद्रोह कहाँ पे हुआ था, केरल में। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। चौरी चौरा कांड के दौरान ले लिया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है इसमें राष्ट्रीय आंदोलन। अब जो भी क्वेश्चन आपके पास आएंगे वो 1923 से 1939 के होंगे। भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना इनमें से किन कारणों से की गई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना बताइए। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेना, काउंसिलों में प्रवेश कर अंग्रेजों को मनमाने ढंग से कार्य न करने हेतु भारतीयों द्वारा इस आशय की अनुभूति की उन्होंने प्रशासन का अनुभव प्राप्त करना चाहिए। तो जो कारण था वो ये दोनों कारण था, ये कारण नहीं था। 20वीं शताब्दी के किसान और मजदूर आंदोलन के संदर्भ में विचार करिए। 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने बारडोली के किसानों के संघर्ष का नेतृत्व किया। 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना हुई थी। नारायण मल्हार जोशी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। बताइए कौन कौन सा सत्य है। तीनों ही पूर्णतः सत्य है। आगे बढ़ते हैं। पीडीएफ मिल जाएगा आपको क्योंकि शोरगुल बहुत है। अभी जो दो कथन है इस पर विचार करिए। एमएन रॉय कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। बताइए कौन कौन सा सत्य है। दोनों। स्वतंत्रता आंदोलन की क्रांतिकारी संगठनों के संदर्भ में कौन सा सही है। सचिन सान्याल और जोगेश चंद्र चटर्जी ने मिलकर के हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना हुई थी। बताइए कौन कौन सा सत्य है। दोनों ही सत्य है। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़ा हुआ नहीं है। रामप्रसाद बिस्मिल तो जुड़े हुए हैं ही, रोशन सिंह भी हैं, भगत सिंह नहीं है, अशफाक उल्ला खां हैं। तो सही जवाब होगा भगत सिंह, जो कि षड्यंत्र से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से किसने बहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में आठ अप्रैल 1929 को बम फेंका था। किसने फेंका था बताइए। भगत सिंह ने और बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था। किसने फेंका था, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था।
1927 में साइमन कमीशन का गठन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? 1927 में प्रमुख उद्देश्य था संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार करना। साइमन कमीशन के संदर्भ में विचार करिए और बताइए कि इनमें से कौन कौन सा सत्य है। इस कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। कांग्रेस ने इस कमीशन का बहिष्कार किया था। साइमन कमीशन के सहयोग के लिए बनाई गई कमेटी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक सदस्य के रूप में शामिल थे। बताइए कौन कौन सा सत्य है? तो आप कहेंगे कि तीनों ही सत्य हैं। 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के संबंध में ये जो कथन है इस पर विचार करिए और बताइए ये कौन सा सत्य है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी। इस अधिवेशन के दौरान पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया था। लाहौर अधिवेशन के दौरान 26 जनवरी 1930 को पहला स्वाधीनता दिवस घोषित किया गया था। बताइए कौन कौन सा सत्य है? दूसरा और तीसरा सत्य है, पहला असत्य है। अब ये जो कथन है इस पर विचार करिए और बताइए कि कौन सा सत्य है। 12 मार्च 1930 की तिथि महात्मा गांधी के द्वारा दांडी मार्च शुरू करने हेतु जानी जाती है। 12 मार्च 1930 गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत वर्धा आश्रम में किया था। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने गुजरात के तट पर पहुँच करके नमक कानून का उल्लंघन किया। बताइए कौन कौन सा सत्य है? नमक कानून का तो उल्लंघन 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने गुजरात के तट पर पहुँच करके किया था, सही है। 12 मार्च को 1930 को महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च शुरू करने को जाने जाती है, दोनों सही है। लेकिन गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत वर्धा आश्रम से नहीं किया था, कहाँ से किया था? साबरमती। 12 मार्च 1930 को गांधी जी द्वारा शुरुआत की गई थी और साबरमती आश्रम से दांडी मार्च की शुरुआत हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया था खान अब्दुल गफार खान ने उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। 1930 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन किस उद्देश्य के लिए आयोजित किया गया था 1930 में? पॉज करिए और बताइए कौन सा सत्य है। साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए आयोजित किया गया था। गांधी इरविन समझौते के संदर्भ में विचार करिए। ब्रिटिश सरकार सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार सभी कैदियों को रिहा करने को सहमत हो गई थी। कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। गांधी इरविन समझौते के तहत कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन रोक दिया। बताइए कौन कौन सा सत्य है? कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। गांधी इरविन समझौते के तहत कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन रोक दिया था। 1939 में इनमें से किसे ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया था 1939 में? बताइए जवाहरलाल नेहरू को। मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान के नाम से अलग राज्य बनाने की मांग करने वाला प्रस्ताव किस वर्ष पारित हुआ था? 1940 में पारित हुआ था। 1935 के भारत सरकार कानून की विशेषताओं के संबंध में विचार करिए। एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना। ब्रिटिश भारत की 50% जनता को मताधिकार प्रदान किया गया। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की समाप्ति। बताइए कौन कौन सा सत्य है? सिर्फ ये वाला, एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना, बाकी असत्य है। 1935 के भारत सरकार कानून के अंतर्गत फरवरी 1937 में हुई प्रांतीय चुनावों के संदर्भ में प्रांतीय चुनावों में कांग्रेस ने कितने प्रांतों में सरकार बनाई थी? बताइए कांग्रेस ने 9 प्रांतों में सरकार बनाई थी। नेक्स्ट अगला चैप्टर है और लास्ट चैप्टर है आधुनिक भारत का, जो पुरानी एनसीईआरटी है क्लास 8 का, स्वतंत्र भारत। क्वेश्चन है 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों से त्याग पत्र दे दिया था, जिसका कारण क्या था? कारण था ब्रिटिश सरकार के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारतीयों की सहमति के बिना भारत को युद्ध में शामिल करना। अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया, तो गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रही किसे चुना था? प्रथम सत्याग्रही चुना था विनोबा भावे को। क्रिप्स मिशन के संदर्भ में विचार करिए, बताइए कि कौन सा सही है। क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया। इस मिशन का उद्देश्य भारत में पूर्ण स्वतंत्रता स्थापित करना था। बताइए
कौन सा सत्य है? क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था। दूसरा असत्य है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा 8 अगस्त 1942 को बंबई में किस प्रस्ताव को पास किया गया था? बताइए, बंबई में किस प्रस्ताव को पास किया गया था? द्वितीय विश्व युद्ध के बहिष्कार का प्रस्ताव, गलत है ये। क्रिप्स मिशन के द्वारा प्रदान किए गए जाने वाले डोमिनियन स्टेट्स के विरुद्ध प्रस्ताव, नहीं। व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ करने का प्रस्ताव, नहीं। भारत छोड़ो प्रस्ताव, ध्यान रखिएगा। किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा लगाया था? भारत छोड़ो आंदोलन में लगाया था। भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में विचार करिए और बताइए कि इनमें से दोनों में से कौन कौन सा सही है। यह आंदोलन स्वतः स्फूर्त था। तामलुक बंगाल में प्रदर्शन के दौरान मातंगिनी हजारा को गोली मार दी गई थी। बताइए कौन सा सत्य है? दोनों। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन किन जगहों पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? किन किन जगहों पर की गई थी समानांतर सरकार की स्थापना? बलिया में किया गया था, तामलुक में और सतारा में किया गया था। अब ये जो कथन है इस पर विचार करिए। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। राजबिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज के महिलाओं की एक रेजिमेंट बनाई गई थी। बताइए कौन कौन सा सत्य है? तो आप कहेंगे कि इनमें से आपका कौन कौन सा सत्य है, दूसरा और तीसरा। पहला वाला गलत है। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना नहीं की थी। 1929 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस और उनके वामपंथी समर्थकों ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं, बताइए आज़ाद हिंद फौज के किन अफसरों पर लाल किला का मुकदमा चलाया गया था? थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। तीनों ही सही है ये। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। राजबिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज में महिलाओं के लिए रेजिमेंट बनाई गई थी। तीनों सही हैं, ठीक है, ध्यान रखिए तीनों सही है। 1939 उसको मैंने 29 पढ़ा तो मैंने 29 ही समझा था, इसलिए मैंने उसको गलत बताया। आज़ाद हिंद फौज के किन अफसरों पर लाल किला मुकदमा चलाया गया था? बताइए किन अफसरों पर चलाया गया था? जनरल मोहन सिंह पर चलाया गया था, जनरल शाहनवाज पर चलाया गया था और जीएस ढिल्लों पर चलाया गया था। रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? कितना कन्फ्यूज़न रह रहा है। आज़ाद हिंद फौज के किन अफसरों पर लाल किला मुकदमा चलाया गया था? किन किन अफसरों पर? जनरल मोहन सिंह पे नहीं चलाया गया था, ठीक है, सॉरी, ये जनरल शाहनवाज पे, प्रेम सहगल पे चलाया गया था और ढिल्लों पे चलाया गया था, मोहन सिंह पे नहीं चलाया गया था। रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? फरवरी 1946 में हुआ था। कैबिनेट मिशन 1946 के संबंध में विचार करिए, बताइए कि कौन सा सत्य है। इसे भारतीयों को सत्ता सौंपने की शर्तों के बारे में बातचीत करने के लिए भेजा गया था। इस मिशन ने भारत में दो स्तरों वाली एक संघीय योजना का प्रस्ताव किया। इसके आधार पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। बताइए तीनों सही हैं। माउंटबेटन योजना आधार बनी थी किसकी? किसकी आधार बनी थी? देश के विभाजन की। किसकी? देश के विभाजन की। अब कथन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकारा, कारण दे रहा है कि वो द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती थी। नहीं, कथन सही है लेकिन कारण गलत है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकारा था इसलिए नहीं कि वो द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती थी, बल्कि इसलिए कि सांप्रदायिक दंगों के बढ़ते खतरों से निपटने का यही एक विकल्प था।
तो ठीक है, यहीं से आपका जो क्लास 8 की पुरानी एनसीईआरटी है उसमें से आपका आधुनिक भारत पूरे तरीके से ख़त्म होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 की एनसीईआरटी। क्लास 11 की एनसीईआरटी अब हम लोग कवर करेंगे, जिसमें कि प्राचीन भारत है राम शरण जी का। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।